भाजपा के मिशन रिपीट को लेकर आज भोटा में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि खाद्य आपूर्ति मंत्री रजिंदर गर्ग ने शिरकत की। इस मौके पर भाजपा वटसर उपमंडल के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी सुमित, वटसर उपमंडल के अध्यक्ष कुलदीप, प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश बबली, ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कमल नयन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदर्श कांत, जिला परिषद सदस्य राजेश मांगा, भोटा शहरी इकाई के अध्यक्ष विनोद कतना विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री रजिंद्र गर्ग ने कहा कि भाजपा मंडल कार्यकारिणी की मीटिंग वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से होती रही है, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से काफी लंबे समय के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरा देश और प्रदेश और विश्व कोरोना महामारी के प्रकोप के तले चल रहा है। ऐसे में प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा बहुत बढ़िया काम किया गया है। उन्होंने कोविड समय में बेहतर काम करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई, ताकि आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को एक बार पुनः प्रदेश में सत्तासीन किया जा सके। बैठक में हमारे भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री बलदेव शर्मा जी, हमारे जिला के प्रभारी भाई सुमित जी और प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई राकेश बबली जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सामान्य सदस्य भाई आदर्श कांत जी और हमारे कृषि बैंक के चेयरमैन भाई कमल जी और यहां पर उपस्थित इस मंडल के सभी पदाधिकारीगण, ग्राम केंद्रों के अध्यक्ष, सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारी यह मंडल कार्यकारिणी की मीटिंग वर्चुअल रूप से तो होती रही, लेकिन एक्चुअली यदि वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से लंबे समय के बाद यह बैठक हो रही, उसको बखूबी रूप से हमारी सरकार प्रदेश के अंदर कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी बधाई के पात्र हैं। बंधु, अब लगभग 3.5 साल हमारी सरकार को प्रदेश के अंदर हो गए हैं और इन 3.5 साल के अंदर हमारी सरकार की जो भूमिका प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए रही है, 3.5 साल के कार्यकाल के अंदर लगभग 1.5 साल हमारा कोरोना काल में चला गया, तो इसके अनुसार लगभग 2 साल का कार्यकाल सरकार को काम करने के लिए मिला और कोरोना की वजह से जो जो दिक्कतें आई हैं बंधु, अब लगभग 3.5 साल हमारी सरकार को प्रदेश के अंदर हो गए हैं और इन 3.5 साल के अंदर हमारी सरकार की जो भूमिका प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए रही है, 3.5 साल के कार्यकाल के अंदर लगभग 1.5 साल हमारा कोरोना काल में चला गया, तो इसके अनुसार लगभग 2 साल का कार्यकाल सरकार को काम करने के लिए मिला
और कोरोना की वजह से जो जो दिक्कतें आई हैं वो भी हम सब भलीभांति जानते हैं। भुट्टा से हमारे संवाददाता रमन की रिपोर्ट।